टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं तरुण वत्स लेकर हाजिर हूं अब तक की टॉप खबरें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों के लगाए आरोपों के बाद अब जारी विवादों के बीच जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट की किसी दूसरी बेंच में जा सकता है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऐसे संकेत दिए हैं। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस मोहन एम शांतनागौदार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी दस्तावेज अगले 7 दिनों के अंदर ऑन रिकॉर्ड रखे जाएं और अगर ये दस्तावेज उपयुक्त पाए जाते हैं तो उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को भी मुहैया कराई जाए, इसे उचित बेंच के समक्ष रखा जाए। जजों के इस कथन से अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यह केस किसी और बेंच के पास भेजा जा सकता है। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से खिली धूप के बाद बुधवार को ठंड और कोहरे की फिर से वापसी हो गई है। ठंड और कोहरे का असर एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट हैं। वहीं सड़कों पर भी कोहरे के कारण सुबह लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली से चलने वाली 21 ट्रेनें लेट हैं और 4 का समय बदला गया है। 13 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स भी कोहरे के कारण प्रभावित हैं। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी प्रदूषण का स्तर खतरे के लेवल पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सैनिकों ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर स्थित भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें सेना का एक कैप्टन घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने मंगलवार शाम पुंछ के चाकंदाबाग इलाके में LOC पर गोलीबारी की। सेना के कैप्टन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा भारतीय जवानों ने जवाब में गोली चलाई और देर रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। एक दिन पहले ही पुंछ में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना के एक मेजर समेत 7 जवान मारे गए थे और 4 अन्य घायल हो गए थे। साल 2017 भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से बेहतरीन साबित हुआ। बीते साल भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई, तो दूसरी तरफ इससे होने वाली आमदनी भी 1728 अरब रुपए के आंकड़े तक पहुंच गई। नई परियोजनाओं के साथ नए साल में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री KG अल्फोंस ने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का 6.88% योगदान है और साल 2017 के रोजगार से जुड़े कुल आंकड़ों में भी 12% नौकरियां इसी क्षेत्र से हैं। पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग सुधरी है, जो 2003 में 65वें से अब 40वें नंबर पर पहुंच गया है। मोदी सरकार राजधानी के लुटियंस जोन में कांग्रेस को 4 में से 3 प्रॉपर्टी से जल्द बाहर कर सकती है। कांग्रेस को 24 अकबर रोड स्थित मुख्यालय को खाली करने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन यानी CCA के पास एक नोट भेजकर कांग्रेस को तुरंत 3 प्रॉपर्टीज 24 अकबर रोड जिसमें सेवा दल का कार्यालय है, 5 रायसीना रोड जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस का कार्यालय है और CII/109 चाणक्यपुरी से हटाने को कहा है। नोट में कहा गया है कि कांग्रेस को 24 अकबर रोड की प्रॉपर्टी खाली करने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। साल 1976 से यहां कांग्रेस का मुख्यालय है। और अब खबर खेल से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की हालत काफी पत्ती नजर आ रही है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर 35 रन बनाए हैं। भारत अभी लक्ष्य से 252 रन दूर है। दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 11 और पार्थिव पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत के चोटी के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। मुरली विजय 11, लोकेश राहुल 4 रन और कप्तान विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 258 रन पर सिमटी, जिसमें AB de Villiers का योगदान 80 रन रहा। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।